नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार प्रेम एमसी ट्रेनिंग अकाडमी गया। और आज 16 जून 2022, और आज सबसे पहले हम क्रूड की बात करेंगे कि क्रूड में अगर आज आपको एंट्री लेना होता हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार तो कहाँ पे बनी थी, आप कैसे पैसा बना सकते थे। तो ये देखिए, आज का हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन थी, और इसके बाद जो है हमारा जो फर्स्ट एंट्री निकल के आई है वो इस जगह पे, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे था, इस जगह पे हमारा सेलिंग बन गया। सेलिंग की प्राइस की अगर बात करें हम तो 8897 पे सेलिंग बना है, 8897 रुपया पे क्रूड ऑयल सेलिंग बनी है, और वहां से जो मार्केट नीचे आया है 8770, मीन्स 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है क्रूड ऑयल के ऊपर जब हम सेल की एंट्री लिए थे। तो 8889 यहाँ पे 90 के आसपास सेलिंग हुई थी, और वहां से मार्केट 8770 रुपया आया है, 8770 रुपया आया है। तो ये था आज का हमारा सेलिंग क्रूड के ऊपर। उसके बाद अगेन एक एंट्री हमारा और बना है जो हमारा बाइंग का एंट्री बना था, और बाइंग का जो हमारा एंट्री निकल के आई थी वो इस जगह पे आया था, यहाँ पे हम वो बाई करना था इस वाली कैंडल्स पे। इस कैंडल्स पे अगर हम बाई करते, देखिए आप एक एंट्री इधर भी कर सकते थे, किधर, एक सेकेंड, इधर भी कर सकते थे, इसका हाई ब्रेक होने पे, सिर्फ इसका हाई ब्रेक होने पे, लेकिन 100% कंफर्मेशन इस कैंडल पे था। तो यहाँ पे जो हमारा एंट्री बना है वो बना है 9027 रुपया पे, 9027 रुपया, 28 रुपया पे बना है, 9028 पे बना है, और 9028 से मार्केट जो ऊपर गया है 9193, 9193, समझ सकते हैं कितना पॉइंट प्रॉफिट हुआ है, 70 पॉइंट्स, 170 पॉइंट्स और 90 पॉइंट्स, 260 पॉइंट, 260 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला है क्रूड ऑयल के ऊपर, 260 पॉइंट्स बाइंग करके और 120 पॉइंट सेलिंग करके। तो लगभग लगभग 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट क्रूड ऑयल के ऊपर हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार आज बना है। तो ये था आज की क्रूड की एनालिसिस, क्योंकि देखिए आज क्रूड में हमारा जो स्पेशल क्लासेस है वो बता दिया था कि आज मार्केट में बाइंग की भी एंट्री बनेगी और सेलिंग का भी एंट्री बनेगा, दोनों एंट्री बनेगा, ये पहले इंडिकेट कर चुका था। हमारे पास एक स्ट्रेटजी है जिससे क्रूड और कॉपर में पहले आपको पता चल जाएगी कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। तो वो बता दिया था कि आज एक बाइंग का भी एंट्री बनेगा और सेलिंग का भी बनेगा, पहले यहाँ पे हमारा सेलिंग बना, उसके बाद यहाँ पे हमारा बाइंग बना, फर्स्ट सेलिंग उसके बाद बाइंग। तो ये था हमारा आज का क्रूड ऑयल का एनालिसिस कि क्रूड में हमें ये प्रॉफिट बना है। अब चलिए आपको नेचुरल गैस के चार्ट पे ले चलेंगे और नेचुरल गैस में दिखाएंगे कि हमारा एंट्री कहाँ पे बनी थी। तो ये देखिए आज का नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस के ऊपर जो हमारा एंट्री निकल के आई है, देखिए ये वाला एंट्री निकल के, यहाँ पे आपको सेलिंग करना था इस जगह। सेलिंग की प्राइस की अगर बात करें तो 604 रुपया, एक सेकेंड, 604 रुपया, 604 रुपया पे आपको सेल करना था, 604 पे आपको सेलिंग करनी थी, 604 पे सेल करना था, और 604 से जो नीचे मार्केट आया है 72 रुपया, यानी कि 28 और 4, 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट नेचुरल गैस के ऊपर हुआ है, 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट नेचुरल गैस के ऊपर हुआ है। तो ये हमारा इस जगह पे हमारा सेलिंग बना था और मार्केट नीचे चला गया। ये था आज का हमारा नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस में अगर आप एंट्री लेते हैं हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार, पेशेंस रख के और समय दे करके, देखिए सही टाइम और सही प्लेस पे अगर आप एंट्री करना सीख जाएंगे, आप एंट्री को इग्नोर करना सीखिए सबसे पहले, ऑटोमेटिक जो अच्छे एंट्री है वो आपको मिल जाएगी। जो भी एंट्री बनती है उसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर मतलब कमी निकालिए कि एंट्री में ये कमी है और उसको छोड़िए, ऑटोमेटिक अच्छी अच्छी एंट्री आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा नेचुरल गैस क्लासेस कि अगर नेचुरल गैस में आप ट्रेड करते तो ये प्रॉफिट बन सकता था। एंड सिल्वर को एक बार देख लेते हैं, देखिए सिल्वर में भी एक एंट्री हमारा दिखा था, ये देखिए सिल्वर का चार्ट है, और सिल्वर के ऊपर हमारा यहाँ पे एंट्री निकल करके आएगी इस जगह पे। बाइंग की प्राइस की अगर हम बात करें तो 6650 रुपया पे मार बाइंग बनी है, और वहां से 61600, मतलब कि 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स सिल्वर के ऊपर हमारा मिला है,
1000 पॉइंट सिल्वर के ऊपर हमारा मिला है। तो ये था आज का सिल्वर का कि हमारा कहाँ पे एंट्री बनता, तो इस जगह पे हमारा ये सपोर्ट की लाइन थी इस जगह पे, और इस सपोर्ट पे यहाँ पे हमारा एंट्री निकल करके आया है। तो ये था आज का हमारा सिल्वर का एंट्री कि सिल्वर में अगर आपको ट्रेड करना होता तो उस जगह पे ट्रेड करते, आपको अच्छा पैसा बन के मिलता। तो देखिए आपका जो लॉस हुआ है आज आज के दिन, अगर आप किसी स्किप में काम किया है और लॉस किया है, तो देखिए आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आप सीख के करोगे, तब बिना सीख के हुए ट्रेड करेंगे उसे गैम्बलिंग बोलते हैं और आपका लॉस ही होगा। ओवरऑल कभी भी प्रॉफिट में आप नहीं जा सकते, 100% आपका लॉस ही मिलने वाला है। आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा, देखिए कभी कभी पैसा बन जाएगा, आपको लगेगा कि पैसा बना रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट देखेंगे महीने का, ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो वो निगेटिव में ही आपका अकाउंट होगा, आप लॉस में ही रहेंगे। तो मेरी बात को आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरा फी कोई बड़ी फी नहीं है, 41,000 फी है, और इसमें आपको होटल प्लस डिनर सारा इंक्लूड है। तो ये फी आप जो है छोटे छोटे लॉसेस कर करके, आप इस फी से ज़्यादा लॉसेस कर देते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि हम ट्रेनिंग में जाएं या नहीं जाएं, और उस चक्कर में आप अपना उससे ज़्यादा का फी लॉस कर देते हो। ये देखिए एक दो तीन ट्रेड मारोगे ये फी रिटर्न हो जाएगा, वही आपके पास कैपिटल रहेगा, उसी कैपिटल में दो तीन ट्रेड मारने पे ये फी आपको ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों पहले आप सीखिए और सीख कर ट्रेड कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।